कुछ चीजें हैं जो कि हम बिजनेस कार्ड को बनाने से पहले हमने हमें बताना चाहिए। साइज है नंबर वन, साइज इज 1125 पिक्सल, ये लिखा हुआ है 675 पिक्सल, बट अगेन दिस कैन वेरी, ये वेरी हो सकता है। अगर आपका बड़ा कार्ड बनवाना है बड़ा कार्ड बनवा सकते हैं, अगर आपने इससे भी छोटा बनाना है तो इससे छोटा बना सकते हैं। तो साइज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, जो स्टैंडर्ड साइज आपको हर दुकान में मिलेगा वो ये वाला साइज है। दो साइड होती है बैक एंड फ्रंट, तो बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर आप लोगों ने बैक भी उसका कवर करना है और फ्रंट साइड भी, यानी दोनों डिजाइन आपने खुद करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आपने फ्रंट डिजाइन कर लिया और बैक छोड़ दिया, वो बहुत अनप्रोफेशनल और बुरा लगेगा। बिजनेस कार्ड में होता क्या है, उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का लोगो बना होता है, एम्प्लॉय जिसके लिए बन रहा है उसका नाम होता है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, पोस्ट, बारकोड और एड्रेस एंड वेबसाइट। इसके अलावा भी चीजें आप दे सकते हैं, अगर आपकी ब्रांचेज हैं डिफरेंट और ब्रांचेज का नाम लिख सकते हैं, बट दिस इज स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड है। फोटोशॉप तो सी चीजें आपको आनी चाहिए एक बिजनेस कार्ड डिजाइन करने के लिए। अलाइनमेंट्स नंबर वन पे, अलाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक असाइनमेंट हमने अलाइनमेंट की थी, ये सबसे पहली असाइनमेंट थी आपकी, जिसमें हमने एक ऊपर रेक्टेंगुलर इमेज बनाई थी और नीचे चार इमेजेस बनाई थी, उनको अलाइन किया था। सेम वो चीजें जो आपने वहां पे सीखी थी वो चीजें रीयूज होंगी बिजनेस कार्ड या आगे आने वाले ऑलमोस्ट सब लेक्चर्स में वो यूज होगा। तो अलाइनमेंट जिसकी स्ट्रांग नहीं है वो दोबारा से वो क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कलर्स, कलर्स किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, कलर पिकर क्या है, ये सब चीजें कॉमन है, ये चीजें हम यूज करेंगे। शेप्स बनानी आनी चाहिए, बिकॉज शेप्स अगेन पता चल जाएगा कि हमने अगर कॉलम्स बनाने हो तो मोस्ट प्रॉब्ली शेप्स बनाते हैं। शेप्स की भी हमने क्लास ले ली थी, एक्सप्लेन किया था मैंने शेप्स किस तरह से बनाते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आपने कोई चीज बड़ी करनी है, कोई चीज छोटी करनी है, रोटेट करनी है, ये चीजें आनी चाहिए। तो फोटोशॉप में हम कोई खास चीजें यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अलाइनमेंट्स यूज कर रहे हैं, शेप्स यूज कर रहे हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एज सच कोई खास क्लास नहीं रखी उस पर, बिकॉज इट्स विद टाइम हम सीखते रहेंगे, हर क्लास में ये चीज यूज होगी, तो एक क्लास में उसकी कोई खास वो नहीं है, बिकॉज इट्स 2 मिनट कॉन्सेप्ट। तो आज हम देख लेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ बिजनेस कार्ड। इन सब चीजों को नजर में रखना है जो हम यहाँ पे लिखी हुई है। सो लेट्स हाइड दिस। 1125 एंड 675, सबसे पहले तो ये कैनवस का साइज किए करते हैं हम, पिक्सल्स में किया। आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मैं इसी को एडजस्ट कर रहा हूँ, 1125 पिक्सल्स एंड 675 पिक्सल्स। अपने न्यू कैनवस बना के ना ये वाले इसमें साइज डाल देने, प्रेस ओके। तो ये हमारा बिजनेस कार्ड बन गया नंबर वन, कंट्रोल एंड जीरो ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए, और मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लेकिन डिलीट नहीं करते, ठीक है। अब हम अपना बिजनेस कार्ड डिजाइन करने जा रहे हैं। बिजनेस कार्ड डिजाइन करने से पहले मैं एक कलर ब्रेक डाउन करूंगा, तो मैं कौन कौन से कलर्स अपने अपने इस बिजनेस कार्ड में डालूंगा, यानी इससे पहले मैं बिजनेस कार्ड बनाऊं मैं अपनी कलर्स ब्रेनस्टॉर्म करने जा रहा हूं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स चूज करूंगा और उसको मैं सैंपल करने के लिए एक सिंपल शेप में डाल रहा हूँ। ये मेरे बिजनेस कार्ड का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ मेरे अपने लिए है, मुझे याद रहे मैंने कौन कौन से कलर्स पकड़े थे। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ कलर वन। इसका मैं डुप्लीकेट करने जा रहा हूँ कंट्रोल जे, और अगेन ये मैं नजर नहीं आ रहा बिकॉज पीछे बैकग्राउंड वाइट है। सो बैकग्राउंड को पहले हम एक ब्लैक कलर दे दें ताकि हमारे जो कलर सैंपल्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाए। 2 कलर्स हो गए, मैं तीसरा कलर भी पिक कर लेता हूँ अभी कंट्रोल जे, एंड 3 कलर्स मेरे पास आ गए। अब मैं कलर्स चूज करने जा रहा हूँ, आई जस्ट क्लिक एंड सेलेक्ट एनी कलर आई वांट, ठीक है। वो मेरा कलर पूरे टेम्पलेट के लिए सेम रहेगा। कलर टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं इस पर क्लास है प्रॉपर, तो वो अभी नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को उसी कमी फील होनी चाहिए कि वो किस तरह से बनाते हैं।
तो फिर आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि समझ आए कि टेम्पलेट्स बनाते हैं किस तरह। अभी मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ये वाली सेम यही असाइनमेंट आपकी है कि आपने बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है, तो उसमें आप लोग कलर्स मैं देखूंगा कि आप लोग कलर्स कैसे बनाते हैं। मैं ऑरेंज पिक करना चाह रहा हूँ पूरी थीम के लिए, तो इसलिए मैं ऑरेंज के अंदर हूँ थोड़ा सा, और तेज ऑरेंज होना चाहिए ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। दिस इज गुड, ये मेरा पहला कलर हो गया। ये मेरा फीचर्ड कलर है, जो प्रोमिनेंट कलर होगा ना मेरा उसको हम फीचर्ड कलर कहेंगे। ये मेरा फीचर्ड कलर है और एक्सेंट कलर भी इसको कहते हैं। अगर आप वेबसाइट की बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेंट कलर। दूसरा कलर मेरा होगा ग्रे और दूसरा तीसरा कलर होगा मेरा व्हाइट। तो मैं ग्रे चूज कर लूंगा, व्हाइट तो पहले ही सिलेक्टेड है, तो इसको मैं ग्रे रफली ये वाला कलर कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने तीन कलर्स चूज किए। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेसिस कार्ड भी डिजाइन नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर्स पिक किए अपने। ये तीन कलर जो आपको नजर आ रहे हैं, ऑरेंज, ग्रे एंड व्हाइट, मेरा पूरा काम इन तीनों कलर्स पे होगा। इसके अलावा मैं कोई और कलर इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखते हैं कि ये कैसे होता है। और दिस इज समथिंग जो कि इस पर काफी ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, कलर रिसर्च जिसको हम कहते हैं। तो यस, इस पे क्लास है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन अभी स्टार्ट पे तीन चार जो डिजाइनिंग क्लासेस हैं बगैर कलर टेम्पलेट्स के इसी तरह ही करूंगा। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू कैन मेक मोर टेम्पलेट्स इन लेस टाइम। स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड मेरा होगा, मैं पहले फ्रंट कार्ड डिजाइन करने जा रहा हूँ, फ्रंट साइड। ठीक है, इन तीनों को मैंने जो कलर्स मैंने बनाए हैं ये मेरे अपने लिए हैं, ये बिजनेस कार्ड पे नहीं आएंगे। तो मैं इनको कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ तो ये ग्रुप बन गया। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि इसके अंदर मेरे माई मुझे याद रहे कि ये चीज मैंने प्रिंट में नहीं भेजनी, ये चीज मैंने डिलीट करके फिर प्रिंट में भेजनी है। तो फिर माई कलर टेम्पलेट से मेरे ये तीन कलर आ गए, जिसमें मैं बैक एंड फोर्थ आके पिक किया करूंगा। कलर पिक यहाँ से करते हैं, ठीक है ना, आई ड्रॉपर टूल से ये कलर पिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ये ग्रे पिक किया तो यहाँ पे ग्रे आ गया, और ये व्हाइट पिक किया यहाँ पे व्हाइट आ गया। तो ये है आई ड्रॉपर टूल। तो लेट्स स्टार्ट। मैं अपने कार्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, दो हिस्से तो पहले डिवाइड की, फ्रंट साइड एंड बैक साइड। मैं अपने फ्रंट साइड को भी मजीद दो कॉलम्स में डिवाइड करूंगा। एक साइड पे जो यहाँ पे है, ये जहाँ मेरा माउस है, विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द कार्ड, यहाँ पे मेरी कंपनी का लोगो आएगा और बार कोड आएगा, और लोगो, नेम एंड बार कोड। सो लेट्स डिजाइन दैट फर्स्ट। सब कुछ मैंने हाइड कर दिया और लेट्स ब्रिंग द रूलर। ये मेरा ऊपर जो पिक्सल्स हैं, सॉरी जो ऊपर रूलर है, ये परसेंट में डिवाइड हुआ है, विच मीन्स के 100% में फुल विड्थ है और 50% पे हाफ विड्थ होगी। तो मैं यहाँ से रूलर उठाऊंगा और 50 पे जाके छोड़ दूंगा। ये मेरा हाफ मार्क आ गया, ठीक हो गया। अब इस हाफ का फायदा क्या है? इस हाफ का फायदा ये है कि मैं अपने बिजनेस कार्ड को डिवाइड करने जा रहा हूँ दो कॉलम में। इस साइड पे लोगो, कंपनी नेम और बार कोड आएगा, इसमें यूजर की डिटेल्स आएंगी। देखते हैं अभी इसको, और टाइम कितना रहता है? ठीक है, 12 मिनट है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई क्योंकि लेट स्टार्ट हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इन शॉर्ट क्लास अब स्टार्ट हुई है, तो थोड़ी सी आज की क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने पहले रिकैप किया, थोड़ा सा उसमें टाइम ज़ाया हुआ है। तो हम बिजनेस कार्ड बना रहे हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट कॉलम। सबसे पहले मैं लोगो इम्पोर्ट करूँगा। मेरे पास कुछ चीज़ें डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हैं पहले से ही, ताकि मैं क्लास के दौरान टाइम ना ज़ाया करूँ वो चीज़ें डिज़ाइन करने में। तो एक लोगो पड़ा हुआ, ये डमी लोगो है, ठीक है, ये आपको नेट पे मिल जाएंगे, इस तरह के बेतराशा लोगो। तो मैंने सबसे पहले एक लोगो डिज़ाइन पकड़ा है। अब ये लोगो जो है, दिस इज वेरी बिग एज कम्पेयर टू अवर कार्ड, तो मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा। एंड दिस इज ऑलरेडी ऑरेंज, इसी लोगो को देखते हुए मैंने ऑरेंज कलर चूज किया है। लेकिन अगर ये ऑरेंज ना होता, लेट्स से
Let me change its color. अगर ये होता ब्लैक या पर्पल, अब मैंने इसको ऑरेंज बनाना होता तो मैं क्या करता? ये मेरा सबसे पहला एक टास्क होगा कि अगर मैंने इसको येलो कर ऑरेंज करना हो, क्योंकि मेरे आप देख सकते हैं कि मेरे कलर टेम्पलेट्स में ऑरेंज आ रहा है और ये ऑरेंज मैंने यहाँ पे देना था, तो मैं किस तरह से दूंगा? मैं इस और ये ज़ूम करें कि ये लोगो ब्लैक है, इस लोगो पर डबल क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करना है। और मजे की बात यह है कि तीन डिफरेंट एरिया, ये लेयर पैनल में जरा देखें आप, तीन डिफरेंट एरियाज हैं, ये एम्प्टी स्पेस, ये लोगो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये आइकॉन या थंबनेल। इन तीनों में जहां मर्जी डबल क्लिक करूंगा मैं डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। आइकॉन पे क्लिक करूंगा तो सेपरेट इमेज खुल जाएगी, लोगो पे डबल क्लिक करूंगा तो रीनेम की ऑप्शन आ जाएगी, और एम्प्टी स्पेस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये चीज आ जाएगी जिसको हम कहते हैं लेयर स्टाइल। इसमें हमने शेडोज देख लिए थे याद होगा, और स्ट्रोक देखा था, ठीक है। आगे और भी चीजें आने वाली हैं, आज हम कलर ओवरले देख लेंगे। मैंने कलर ओवरले भी यूज किया था काफी जगह पे। तो अगर मैंने सर कलर चेंज करना ना, कोई भी पीएनजी फाइल आपके पास है, आपने सर कलर चेंज करना है, जस्ट क्लिक डबल क्लिक, क्योंकि ये शेप नहीं ना है। अगर ये शेप होती तो मैं सिंपली शेप टूल सेलेक्ट करता और फिर ऊपर से जाके कलर चेंज कर लेता, तो ये चेंज हो जाता। लेकिन क्योंकि ये शेप टूल नहीं, शेप नहीं है, ये एक पीएनजी है, यानी कि एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसका कलर मैं सिर्फ एक तरीके से ही चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ एक तरीके से नहीं, काफी तरीके हैं, लेकिन इजिएस्ट एक तरीका है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस लेयर जहां पे एम्प्टी स्पेस है, और कुछ टाइम के बाद एक लेयर स्टाइल का पैनल खुलेगा। इसे कलर ओवरले पे जाएं और आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि ये ब्लैक सिलेक्टेड है। मैं इस ब्लैक पे क्लिक करूंगा और जो सा मर्जी कलर देना चाहूँ मैं दे सकता हूँ। याद रखें ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसका कलर ओवरले पे जाके चेंज होगा, कलर ओवरले से सिलेक्ट होगा, शेप से जाके सिलेक्ट कलर चेंज नहीं होगा इसका। तो मैंने ऑरेंज देना था तो मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ, और ठीक है ऑरेंज दे दिया मैंने इसको। ओके ओके प्रेस करें, खत्म करें इसको, और ये एफएक्स आ गया। एफएक्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर इफेक्ट्स यूज हो रहा है। कौन सा इफेक्ट यूज हो रहा है? कलर ओवरले। काफी इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स हमारे पास हैं? ड्रॉप शेडो है, आउटर ग्लो है, एंड सो ऑन। लेकिन टिक कहाँ पे हुआ है? कलर ओवरले पे। इसका मतलब क्या है? इस पूरे इफेक्ट्स पैनल में से सिर्फ कलर ओवरले यूज हो रहा है, और वो ही यहाँ पे लिखा आ रहा है कलर ओवरले, ठीक है। तो ये चीज हम काफी यूज करेंगे, कलर ओवरले हो गया, शेडो हो गया, ग्रेडियंट ओवरले हो गया, विद टाइम हम सब चीजें देखेंगे। तो मैंने इसको ऑरेंज किया विद द हेल्प ऑफ कलर ओवरले, और आपने भी ऐसे करना। कोई भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है, कोई भी ऐसी पीएनजी फाइल है, लोगो है, कुछ भी है जो कि शेप नहीं है, जो कि आपने फोटोशॉप में खुद नहीं बनाया, उसका कलर यहां से चेंज होगा जिस तरह से मैंने किया। तो अगर मल्टी कलर्ड लोगो हो तो ऐसे कलर चेंज हो जाएंगे। अगर मल्टी कलर्ड लोगो हो, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टूटी फूटी कलर्स होते हैं, अगर आपने कलर ओवरले लगा दिया ना तो पूरा स्टैटिक हो जाएगा, पूरा ऑरेंज हो जाएगा। कलर ओवरले का मतलब है वन कंसिस्टेंट कलर, दैट्स इट। कोई मल्टी कलर, पिछले सारे कलर खत्म हो जाएंगे, इसके खत्म नहीं होंगे, मौजूद होंगे। आपने कलर ओवरले लगा दिया ना, सिंपली इसके आई के आइकन को क्लिक करें तो वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी दोनों ऑरेंज ही हैं, तो आप देख सकते हैं मैं कलर ओवरले पे जाऊंगा और यहाँ से मैंने पिंक सेलेक्ट कर लिया, और पिंक सेलेक्ट करने के बाद ये पिंक हो गया। लेकिन अगर मैं इसको वापस अपनी इसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके जाना है तो मैं कलर ओवरले को आई क्लोज कर दूंगा उसकी, यानी आई आई का आइकॉन था उसे मैंने हाइड कर दिया, तो ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। जितने भी मल्टी कलर्ड होंगे सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक कलर आ जाएगा अगर आप कलर ओवरले लगाते हैं तो, ठीक है। ये हो गया जी हमारा कलर चेंज करने का, लेकिन मैं कलर चेंज नहीं कर रहा बिकॉज ये पहले से ऑरेंज था, सो लेट्स जस्ट गो विद ऑरेंज। अब हम जाएंगे, बल्कि मेरे वाला ऑरेंज ज्यादा तेज था तो आई वुड सेलेक्ट दैट वन। कलर ओवरले पे गया हूं और येलो सेलेक्ट किया, ओके ओके, एंड इसके आई आइकन को क्लिक किया, थोड़ा तेज हो गया।
ठीक है, तो अब हम लिखते हैं अपने लोगो कंपनी का नाम। मैं अपने टेम्पलेट को हाइड करने लगा हूँ क्योंकि ऑरेंज कलर अब लोगो पे आ गया है। अब अगर मैंने कलर पिक करना हो तो मैं लोगो से उठा सकता हूँ, मुझे इस टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक था। जब तक मेरे पास कोई चीज स्क्रीन पे नहीं थी, मैं अपना कलर टेम्पलेट यूज कर रहा था। जैसे ही ऑरेंज मेरे पास आ गया, मुझे अपने कलर टेम्पलेट की जरूरत नहीं रही, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, लेट्स जस्ट डिलीट इट। ये था मेरा स्टार्टिंग में ब्लैक कलर, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। ये मैंने नोट्स बनाए थे, इसको मैं अभी रहने देता हूँ। तो हमारे पास लोगो हो गया। अब हम कंपनी का नाम लिखते हैं। कंपनी का नाम मैं लिखूंगा कहाँ से, टेक्स्ट के टेक्स्ट के टूल से। यहाँ पे क्लिक किया तो बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया। इसका फॉन्ट मैं ऊपर से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे ले आया। कंपनी का नाम क्या है, हम लिखते हैं लेट्स राइट आई डोंट नो लाहौर, सारा कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन वो भी मैं आपको ट्रिक बताया था, कैपिटल में किस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं ग्राफिक्स। अब एक चीज है कि मैंने लाहौर ग्राफिक्स लिख दिया है, और मैं चाहता हूँ ये सारा बड़ा हो, कैपिटल में आएगा। तो जैसे मैं इसको डिलीट करूँ और सारा कैपिटल लिखूँ कैप्स लॉक ऑन करके, मेरे पास एक ट्रिक है। कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज को ओपन करें, करेक्टर नहीं शो हो रहा यहाँ पे तो विंडो पे जाएं, और करेक्टर पे जाएं तो वो ऑटोमेटिकली आपको ढूंढ के दे देगा। और ये जो डबल टी नजर आ रहा है ना, ये डबल टी पे क्लिक कर दें सिंपली। अब आप देखें सारा कैपिटल हो गया, लाहौर ग्राफिक्स। मैंने जान के बीच में स्पेस नहीं दी क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ उसमें स्पेस की जरूरत नहीं होगी। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक फॉन्ट है जिसको हम कहते हैं, फॉन्ट का नाम ढूंढना पड़ेगा आई थिंक, इसका एक इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, फॉन्ट था आई थिंक आर से शुरू होता। और ये फॉन्ट आप लोग भी डाउनलोड करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत अच्छा फॉन्ट है। यानी मेरे हर ऐड में तकरीबन ये फॉन्ट लाजमी होता है। बट इसके दो तीन नाम है डिफरेंट, तो इसलिए हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मेरे इस वाले फोटोशॉप में कौन सा इंस्टॉल है। मैं तो ऐड जो बनाता हूँ वो दूसरे कंप्यूटर पर बनाता हूँ, उसमें मेरे सारे रूटीन वाले फॉन्ट्स हैं। एनीवेज, लाहौर को मैंने किया ब्लैक। तो क्या हुआ, लाहौर ब्लैक हो गया यानी कि बोल्ड हो गया, और ग्राफिक्स को मैं कर दूंगा लाइट। ठीक है, ग्राफिक्स लाइट हो गया, लाहौर प्रोमिनेंट हो गया, तो बीच में स्पेस की जरूरत नहीं रही क्योंकि अब ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं। तो बस ये ट्रिक यूज करना था। तो सर कलर होना चाहिए ब्लैक, ओके किया। फॉन्ट साइज ऑब्वियसली छोटा होना चाहिए बिकॉज ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए इसको। तो लेट्स मेक इट अ बिट मोर स्मॉल। ठीक है, अभी हम इनको अलाइन करते हैं वर्टिकली, उसकी भी टेंशन नहीं है। और एक और डिजाइनिंग टूल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं है बट गुड प्रैक्टिस है, कि कभी भी कोई चीज अगर आप लिख रहे हैं ना तो वो प्योर ब्लैक ना लिखें। यानी कि मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा है, विच इज अ बैड प्रैक्टिस, बैड नहीं है बट प्रिंटिंग सोशल मीडिया के फॉर्म में, यूजर इंटरफेस के फॉर्म में, यूजर एक्सपीरियंस के फॉर्म में ये अच्छी चीज नहीं मानी जाती। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्लैक था, मैं हल्का सा इसको उठा के ग्रे कर दूंगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ग्रे हो गया, ये ब्लैक नहीं रहा। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे इसमें ये चीज अच्छी लगी थी कि प्योर ब्लैक आइस को हर्ट करता है, हल्का सा ग्रेश होता है, बिल्कुल माइनर सा, वो आइस को हर्ट नहीं करता। आपने देखा होगा यूट्यूब की डार्क थीम, फेसबुक की डार्क थीम, वो प्योर ब्लैक नहीं होती, हल्का सा ग्रे होता है। इवन फोटोशॉप की थीम देख लें, ये डार्क थीम है फोटोशॉप की, ये प्योर ब्लैक नहीं है। तो मैंने यहाँ से सीखा है कि कभी भी कोई चीज़ फुल ब्लैक नहीं होनी चाहिए। एंड यस, इससे यूजर इंटरफेस अच्छे बनते हैं। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, और काफ़ी ऑब्जर्वेशन
आप लोग भी देख सकते हैं जितनी भी डार्क थीम्स आती हैं व्हाट्सएप की, फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, वो सारी के सारी ब्लैक नहीं होती, डार्क ग्रे ही टोन होता है। तो ऑब्वियसली उनके डिजाइनर्स हमसे कई गुना ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो उनको इन चीज़ों का पता है। तो हमारा काम है उनकी रिसर्च को स्टडी करना और उससे सीखना जो अच्छी चीज़ें करते हैं। तो जस्ट अ हैंडी, तो हमने ये रॉ ग्राफिक्स लिख दिया और इसके नीचे कैप्शन आएगा। ऑब्वियसली हर कंपनी का एक लोगो होता है, कैप्शन होता है। तो इसका कैप्शन होगा ऑब्वियसली लोगो ग्राफिक्स का होगा, लर्निंग एकेडमी, लर्निंग एकेडमी कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसको मैं करूँगा डिफरेंट, इसका मैं फॉन्ट साइज करूँगा लाइट। फॉन्ट्स आप अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे जाती गिने चुने फॉन्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता रहता हूँ काफ़ी, तो क्योंकि इधर जब आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फॉन्ट्स अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, आप अपनी एक मेंटल वो होना शुरू हो जाएगी प्रेफरेंस। तो अभी अब तक हमने क्या किया है, लोगो बनाया है, लोगो पहले ही था, उसको सिर्फ प्लेस किया है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है, कंपनी का नाम है लोगो ग्राफिक्स, और कैप्शन दिया कंपनी का विच इज लर्निंग अकेडमी। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसके नीचे बार कोड प्लेस करने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बार कोड होता है हर बिजनेस कार्ड में होता है, ठीक है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट टूल जो कि आप नहीं स्किप कर सकते। तो ये QR कोड मेरे पास था, कंप्यूटर में पड़ा, मैंने इसको प्लेस कर दिया। आपको या तो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कंपनी आपसे बिजनेस कार्ड बनवा रही है, या तो ये वो आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने डिज़ाइन टेम्पलेट बनाना है तो आप गूगल से उठा के सिंपली डाल सकते हैं और उसमें कंपनी का ओरिजिनल प्लेस होल्डर बन जाएगा। यानी जो कंपनी आपको ओरिजिनल वाला देगी, आप रिप्लेस कर देंगे कंपनी के ओरिजिनल QR से। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये गूगल से उठाया, कोई कंपनी मुझे कहती है कि मेरे लिए बिजनेस कार्ड बना दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जगह मैं उनसे कहूँगा अपना QR कोड दे दें, वो अपना QR कोड देंगे, मैं इसको डिलीट कर दूंगा और इसी जगह उनका कोड डाल दूंगा। सिंपल, अभी मैं सिर्फ जगह बना रहा हूँ कि यहाँ पे कोड आना चाहिए। आप लोग रीजॉइन कर लें कि क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट से कम रह गई है। अच्छा, हम बना रहे थे बारकोड, बारकोड की जगह बना रहे थे, बारकोड मैंने प्लेस कर दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन किस तरह से करेंगे, डिज़ाइन इस तरह से करेंगे कि बारकोड की जगह यही है, या इसको अलाइन कर, अब थोड़ा सा अलाइन करते हैं। अलाइन किस तरह से करेंगे, मैंने स्टार्ट में क्या बताया था आप लोगों को कि बिजनेस कार्ड बनाते हुए आप लोगों को क्या आना चाहिए, आपको अलाइनमेंट्स आनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद की बात है, अलाइनमेंट्स आनी चाहिए। अब हम अलाइनमेंट करने लगे, तो अलाइनमेंट हम किस तरह से करेंगे, हमारे पास ये चीज़ें तो मौजूद हैं स्क्रीन के ऊपर, इस कॉलम के अंदर हमने ये चीज़ें बना दी हैं और इससे ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डाल रहा इस लेफ्ट कॉलम पे, इसको अलाइन करते हैं और ख़त्म करते हैं इस कॉलम को। इस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो इन चारों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, लर्निंग अकेडमी को, लर्निंग और ग्राफिक्स को, लोगो और ये बार कोड सेलेक्ट हो गए सारे। अब मैं मूव के टूल पे क्लिक करूंगा और इसको इस वाले अलाइनमेंट से अलाइन कर दूंगा। अब क्या आपने देखा है कि सारा कुछ अलाइन हो गया सेंटर, यानी ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई हैं। पहले क्या थी, पहले ऐसी थी, तो मैंने इस पर क्लिक किया, सारी सेंटर हो गई हैं, अब नीट हो गया काम, ठीक है। पहला काम QR कोड के इर्द-गिर्द मैंने ऑरेंज बॉर्डर भी बनाना है, तो वो भी बना लेते हैं। स्क्वायर पे क्लिक किया, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, फिल मैं इसको नहीं दे रहा। फिल का मतलब क्या होता है, अंदर वाला कलर नहीं दे रहा, मैं बाहर वाला कलर दे रहा हूँ, और बाहर वाला कलर क्या होगा, ऑरेंज। बाहर वाले जो बॉर्डर है उसका स्ट्रोक क्या होगा, 4 पिक्सल्स। इसको ड्रैग किया, आप देख सकते हैं क्या हुआ, ये ऑरेंज बॉर्डर आ गया जो मैंने 4 पिक्सल का दिया था, वो स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक का मतलब है बॉर्डर, आउटर लाइन, तो वो मैंने 4 पिक्सल का दिया, लेकिन मैंने सिर्फ अंदर वाला कलर नहीं दिया, इसलिए मुझे ये बारकोड नजर आ रहा है। अगर मैं ये अंदर वाला कलर देता, लेट से वाइट, तो उसने हाइड हो जाना था। अगर मैं इसको वाइट दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। क्यों हाइड हुआ है, क्योंकि एक रेक्टेंगल जो है ये ऐसा बन गया,
अंदर व्हाइट है, फिल का मतलब है अंदर वाला कलर वो व्हाइट है, और स्ट्रोक का मतलब है बाहर आउटलाइन वो ऑरेंज है। तो अगर मैंने अंदर वाला कलर खत्म करना है, सिर्फ ये ऑरेंज वाली लाइन छोड़नी है, तो मैं फिल पे जाऊंगा। अगेन फिल का मतलब अंदर वाला कलर, फिल पे गया हूं, और ये क्रॉस वाली लाइन पे क्लिक कर दें, दैट्स इट। तो खत्म हो जाएगा, पहले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट्स बने आ गए, फिर से क्लिक किया एंड कैंसिल। तो क्या हुआ है, सिर्फ आउटलाइन रह गई है, अंदर वाला कलर खत्म हो गया, यही हम चाहते थे। ठीक है, तो बैकग्राउंड स्टार्ट करें, ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई है। लेकिन रेक्टेंगल को भी हमने अब अलाइन करना है थोड़ा सा, ये इतना प्रिसाइज नहीं है, थोड़ा सा इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे, यू मस्ट नो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, रेक्टेंगल को बड़ा करना, रेक्टेंगल को छोटा करना, किसी भी शेप को बड़ा करना, छोटा करना, रोटेट करना, हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेप में। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या करें, हम इस आउटलाइन को ट्रांसफॉर्म करें थोड़ा बहुत। ये मेरी अपनी डिजाइन मर्जी है, मैं चाहूँ तो ये बॉक्स ना बनाऊ, लेकिन मैं इसलिए इसको बीच में बनाना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाए, कि इसके अंदर क्यू आर है, प्रोमिनेंट हो जाए। अब ये रेक्टेंगल और क्यू आर कोड के अंदर आ गया है, मैं अब क्योंकि मैंने ये स्ट्रोक दोबारा बनाई है, ऑरेंज स्ट्रोक दोबारा बनाई है, मैं दोबारा से इनको वर्टिकल अलाइन करने जा रहा हूँ ताकि कोई चीज जस्ट इन केस खराब ना हो। दोबारा लोगो सेलेक्ट किया, क्यू आर सेलेक्ट किया, ग्राफिक्स का टेक्स्ट, अकेडमी का टेक्स्ट और रेक्टेंगल, दोबारा से मूव के टूल पे क्लिक करें और अगेन अलाइन कर दें वर्टिकल, दैट्स इट। अब इन सबको उठा के जितनी भी ये चीजें हैं मेरे सामने, सिवाय बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना, इन सबको उठा के कंट्रोल प्लस जी, यानी कंट्रोलर की दबाएं और जी प्रेस करें, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप के अंदर आ गया। इस ग्रुप के अंदर क्या है, ये सारी वो चीजें हैं जो हमने बनाई हैं अभी। और ग्रुप के अंदर बनाने का फायदा क्या है, मेरा लेयर पैनल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, विजिबल कर सकता हूँ, या फिर पूरे को उठा के मूव टूल से जहां मर्जी फेंक सकता हूँ। तो ये ग्रुप का फायदा ये होता है कि आप बहुत इजीली आप इसकी मूवमेंट कर सकते हैं और इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे ग्रुप में डाल दिया और इस ग्रुप को मैं रीनेम कर रहा हूँ लेफ्ट कॉलम, दैट्स इट, मेरा काम खत्म हो गया लेफ्ट कॉलम का। अब हम आते हैं राइट कॉलम पे, यहाँ पे बंदे का नाम आएगा, बंदे का क्या करता है वो आएगा, ईमेल एड्रेस एक्स वाई जी। ठीक है, क्या चीज़ आने वाली हैं, अब ये चीज़ आने वाली हैं, कंपनी नेम तो हो गया ना, अब एम्प्लॉई नेम आएगा, ईमेल आएगा, फोन नंबर, पोस्ट, बारकोड भी आ गया, एड्रेस एंड वेबसाइट, अब ये चीजें आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसको वाइट नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा ग्रे, जो मैंने डिसाइड किया था स्टार्ट में। उसके लिए मैं शेप बनाऊंगा, शेप टूल पे गया हूं और लेट्स स्टार्ट। जस्ट ये जो मैंने ग्रिड लाइन बनाई हुई, यहाँ से उठा के एंड तक मैंने एक शेप क्रिएट की है। इस शेप की सेटिंग्स क्या होंगी, इस पे स्ट्रोक या बॉर्डर कोई नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर को 0 पिक्सल कर दूंगा ताकि बॉर्डर कोई भी ना आए। और फिल यानी कि इनसाइड वाला कलर मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और वो चाहिए मुझे ग्रे। ओके पे क्लिक करें और ये हमारा कार्ड आ गया। अब मैं एक और चीज करने जा रहा हूँ, सबसे पहले थी जो व्हाइट ग्लिच आ रहे हैं, इसको खत्म करना है। तो क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करूंगा, कंट्रोल टी प्रेस किया, ये एंकर्स बने आ गए। ठीक है, और अब मैं इसको उठा के बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं छोटा भी कर सकता हूँ, जो मर्जी दिल करे। तो मैं इसको एंड पे लेके आना है, तो इस तरह से आपने अगर शिफ्ट दबाया ना तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बाउंड्री के पास जाके ना, यहाँ पे आपने देखने क्या होगा, हल्की सी जंप मारेगा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके शिफ्ट दबा के हल्का सा इसको, तो जंप लगती है, वो ऑटोमेटिकली छिप जाता है कैनवस के एंड पे। अब सिमिलरली मैं नीचे भी इसको शिफ्ट दबा के नीचे आ रहा हूँ, हल्का हल्का सा नीचे आऊंगा, वो भी चिपक जाएगा। ये वो एंड पे बिल्कुल आखिरी 2-4 पिक्सल तक ना जंप मारता है, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि उसने पूरी कैनवस को कैप्चर कर लिया।
क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा जूम पे, तो मैं क्या करूंगा, कैनवस जो बैकग्राउंड है ना वो थोड़ी चेंज करूंगा। इस तरह से कर सकता हूँ, कहीं भी बाहर, ये मेरा कैनवस ये है, मैं ब्लैक कहीं भी राइट क्लिक करूंगा और लाइट ग्रे कर दूंगा, तो वो आपको नजर आ जाएगा मेरा कैनवस ज्यादा बेहतर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए किया है, आप लोग चाहे तो डार्क थीम में ही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये मेरा कार्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक, और कौन कौन से कलर्स हमारे पास, मीडियम ग्रे है, डार्क ग्रे है, डार्क ग्रे अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो आई थिंक ये बेहतर है, ताकि इतना ब्राइट ना हो। आई प्रेफर डार्क थीम, तो इसलिए मैं डार्क कलर चूज किया हुआ है। इतना विजिबल हो गया डिफरेंस ब्लैक में और ग्रे में, डिफरेंस आ गया। एनीवेज, बंदे का नाम लिखते हैं, वहां से फिर अगली चीज स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ रीनेम, ये ट्रायंगल मैंने बनाया है, राइट बीजी मतलब बैकग्राउंड। अपने हर लेयर या हर प्रोजेक्ट में बीजी एंटर करता हूँ इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड, टाइम बचाने के लिए। तो राइट कॉलम बीजी मींस राइट कॉलम बैकग्राउंड, ठीक हो गया। और बंदे का नाम लिखना है, बंदे का नाम मैं लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ फुरकान। कलर सारा जो है इसका वाइट होना चाहिए, तो मैंने सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, माउस पे क्लिक किया और कलर पे क्लिक किया एंड वाइट, ठीक है। और फॉन्ट साइज भी छोटा कर देता हूँ, फुरकान एंड 12 इंच। तो ये नाम मेरा आ गया यहाँ पे, फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से यहाँ पे, और आई थिंक सेम वही फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा जो मैंने सब हेडिंग के लिए किया था, विच वॉज NEXA, वैसे मेरा नाम काफी बड़ा है, मैं छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कहाँ लग को, ठीक है। तो ये नाम आ गया, अरेंजमेंट इसकी मैं एंटर करूंगा, अभी नहीं करूंगा, जिस तरह मैंने उसकी एंड पे अरेंजमेंट की थी इसी तरह इसकी भी एंड पे करूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरी पोस्ट क्या है, फुकान उल हक ट्यूटर, ऑनलाइन ट्यूटर। इसका फॉन्ट ऑब्वियसली मैं सेम नहीं रखूंगा, इसका मैं रखूंगा थोड़ा सा बारीक और नॉन प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम मतलब के जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इमेजिनरी बनता भी डाल सकता था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पे किसका नाम आना चाहिए, जिसके लिए आप कार्ड बना रहे हैं उसका नाम आना चाहिए। कंपनी का सीईओ हो गया तो आप कंपनी का सीईओ का नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सीईओ। या फिर मार्केटिंग का बंदा है तो यहाँ पे बंदे का नाम लिख देंगी और यहाँ पे नीचे लिख देंगे मार्केटिंग। बेतहाशा पोस्ट है, कोई भी पोस्ट उठा के आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, इस बंदे का बना दें, सेल्स मैनेजर है तो इसका इस तरह से कार्ड बनाना पड़ेगा आपको। तो मैंने फुरकान लक अपना नाम प्रोमिनेंट किया, अपनी पोस्ट को प्रोमिनेंट नहीं किया, उसको मैंने बारीक फॉन्ट दिया। और ये बारीक फॉन्ट मैं किस तरह से दे रहा हूँ, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ना फॉन्ट फैमिली बहुत बड़ी होती है, उनमें थिन भी होता है, उनमें रेगुलर भी होता है, उनमें मीडियम भी होता है। मैं मीडियम करूंगा तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ये, मैं इसको ब्लैक करूंगा तो ये बहुत थिक हो जाएगा, मैं इसको थिन करूंगा तो बारीक हो जाएगा। तो ये रोबोटो है जो मैं यूज कर रहा हूँ और ये मैं काफी दफा यूज करता हूँ, ये गूगल का फॉन्ट है तो बहुत अच्छा फॉन्ट है, ये आप लोग ही इंस्टॉल कर लें। फॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल करना है ये मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कलर टेम्पलेट्स के बारे में बताऊंगा, तो इट्स वेरी इजी, कोई इतना खास इशू नहीं है इसमें। एनीवेज, मैंने ऑनलाइन ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़ा करना था, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी इसके लिए माजरत, बिकॉज स्टार्ट में कुछ एक्सप्लेनेशंस करनी थी। पोस्ट आगे बंदे की और टाइटल आ गया, अब मैं उल हक को कलर चेंज कर सकता हूँ, ऑरेंज दे देता हूँ। क्यों ऑरेंज किया है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कलर में कलर चेंजेस हो रही हो, तो कोई ऐसा वो नहीं है लाजमी कि आपने ये काम करना है। ये डिजाइनिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आप वेट टाइम सीखते हैं, जो आपको पसंद किया, मुझे ये चीज़ पसंद है इसलिए मैं ये करता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप इसलिए कर रहे होंगे कि आपको खुद पसंद है, ठीक है, उसमें कोई आप किसी से ना तो सीखेंगे ना तो वो आप
मैं क्या करूँ, मैं ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, फिर डिलीट किया। शेप टूल में गया हूँ, रेक्टेंगल पे गया हूँ, अगेन मैंने कोई फिल कलर, बल्कि इसमें मैं ऑरेंज दूंगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना वाइट आइकन रखना है यूजर का। पहले मैं यूजर का ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे एक, अगेन ये मेरे पास, ये मेरा नेक्स्ट टाइम है, अगर आप लोगों को चाहिए मेरे से तो ये मैं आपको दे दूंगा। ये चीज़ें नेट पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगी तो आप मेरे से मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने बंदे का नाम दिया है, जो भी हमारा बंदा है उसको नाम दिया है, और उसके साथ मैंने यूज़र का आइकॉन डाल दिया। इस आइकन के पीछे बैकग्राउंड होनी चाहिए ऑरेंज, तो मैं क्या करूँगा, ऑरेंज फिल स्ट्रोक जीरो कर दूंगा, स्ट्रोक की जरूरत नहीं है मुझे, ऑरेंज फिल है, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा इसके इर्द गिर्द, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। और जो यूजर का जो आइकॉन था वो ऊपर आना चाहिए ताकि नजर आए, इन दोनों को मैंने अलाइन करना है आपस में कि ये जो बंदा है जो आइकॉन है ये सेंटर में आए, तो मैं किस तरह से करूंगा, दोनों को क्लिक करके सिलेक्ट कर दिया। मैंने क्या सिलेक्ट किया, आइकॉन को और पीछे जो बैकग्राउंड आ रही है उसको, जो ऑरेंज रेक्टेंगल स्क्वायर है, दोनों को सिलेक्ट कर दिया। और अब कोई मुझे बता सकता है कि मैं इसको किस तरह से सेंट्रलाइज करूंगा? एनी आंसर? मैं चाहता हूँ ये जो व्हाइट आइकॉन है वो सेंटर में आ जाए। मूव टूल सेंटर अलाइनमेंट, लेट्स सी, मूव टूल एंड सॉरी मूव टूल एंड सेंटर अलाइनमेंट, परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल के एजेस देखें, शार्प है, मैं चाहता हूँ ये कर्व थोड़े से कर्व हो जाए, किस तरह से होंगे वो, इस तरह से होंगे रेक्टेंगल जो भी शेप टूल है आपने इस पर सिलेक्ट किया, मेरी रेक्टेंगल टूल थी इसको सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे गए इसकी, ये वाला आइकन होता है प्रॉपर्टीज का, अगर ये नहीं शो हो रहा तो सिंपली विंडो पे जाएं और प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी आ रही होंगी इस पर क्लिक कर दें, फिर नीचे स्क्रॉल करें, ये कुछ बने आ रहे होंगे आपके पास चार अदद कॉर्नर्स, और यहाँ पे लिंक का बटन आ रहा है, लिंक का मतलब ये कि मैं अगर एक को छेड़ूंगा तो सारे कॉर्नर्स अफेक्ट होंगे, और वही मैं चाहता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करके 10 पिक्सल्स लिखने जा रहा हूँ, और देखें उसके एजेस 10 पिक्सल राउंड हो गए, यही मैं चाह रहा था कि 10 पिक्सल राउंड हो जाए, और इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप अपने रेक्टेंगल के एजेस को सर्कुलर बना सकते हैं। ये आ गया मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फोन नंबर भी है, और फोन नंबर के साथ साथ यूजर ने क्या चीजें मिसिंग है, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, सबसे पहले तो इनको देखते हैं। तो हमने नेम बना लिया, ठीक है, अब हम इसकी बनाना चाहते हैं फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, तो देखते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। फोन के लिए मुझे इसके नंबर चाहिए एंड सेम उसी तरह का आइकन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल जे प्रेस करके, और इस डुप्लीकेटेड रेक्टेंगल को उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा। यहाँ पे मैं क्यों लाया हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, इसके अंदर आएगा उसका फोन, फोन नंबर आएगा, फोन नंबर के लिए मुझे फोन का आइकन चाहिए होगा जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, ये फोन आइकन है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इस फोन आइकन को मैंने वाइट करना है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि वाइट हम किस तरह से कर सकते हैं, हम वाइट कर सकते हैं फोन पे क्लिक किया डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद कलर ओवरले दिया वाइट का, सिंपल, तो वो वाइट हो जाएगा। इसको कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा ट्रांसफॉर्म किया और छोटा कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर ले आए मूव टूल के साथ, यहाँ पर मैंने अपना फोन नंबर लिखना है, फोन नंबर के लिए मैं सेम यही वाला टेक्स्ट यूज करूंगा, और प्लस 9212345678 9, इस फॉर्म को सिलेक्ट किया, और मुझे चाहिए लाइट वर्जन, ये लाइट वर्जन है, और फॉन्ट मैं लूंगा रोबोटो, रोबोटो अच्छा फॉन्ट है, मैंने आपको कहा है कि ये आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, और अगर आप लोगों से नहीं होता तो
मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, बल्कि आप लोग ना खुद से ट्राई करें, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में फॉन्ट किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। और ये फॉन्ट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा और इंस्टॉलेशन भी सिखा दूंगा। तो ये फोन नंबर एक हो गया, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा डुप्लीकेट के लिए और डुप्लीकेट वाले फोन को नीचे ले आऊंगा, क्योंकि अमूमन दो फोन होते हैं, एक कंपनी का एक पर्सनल इस तरह करके, तो दो फोन नंबर की हमेशा जगह छोड़ते हैं अपने कार्ड के अंदर। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, मूव टूल पर क्लिक किया और उठा के पास ले आए आइकॉन के, एक तो ये चीज हो गई। अब हमने इस थोड़ा सा और ग्रुप्स बना देते हैं ताकि हमारे लिए एडिटिंग करना आसान हो। अब मैंने बनाना है यूजर नेम, और यूजर नेम के साथ फुरकान उल हक, और एक और लाइन होगी यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन ट्यूटर, फिर इस रेक्टेंगल को पकड़ लिया और इनको उठा के ग्रुप में डाल दिया, और इस ग्रुप का नाम कर दिया मैंने यूजर नेम। यूजर नेम यानी जिस बंदे का कार्ड है, इस ग्रुप में ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन मौजूद है। अब मैंने फोन को उठाया, फोन नंबर वन, फोन नंबर टू, फोन के आइकॉन को और फोन के बैकग्राउंड को, इनको भी ग्रुप में डाल दिया और इस ग्रुप का नाम मैंने कर दिया फोन। अब इस ग्रुप में अंदर क्या किया, इस ग्रुप में अंदर ये पूरा का पूरा फोन का सेक्शन है। अब मैं इस फोन के सेक्शन को डुप्लीकेट कर रहा हूँ कंट्रोल जे, ताकि मुझे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, और उठा के नीचे ले आऊंगा, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ईमेल एड्रेस, ईमेल पे क्लिक किया और ईमेल का आइकन फोन नहीं होना चाहिए तो फोन को डिलीट कर दिया। यहाँ पे मेरा आएगा ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस के लिए मैंने कंप्यूटर का आइकन है मेरे पास, वो मैं फोटोशॉप के अंदर कैनवास के अंदर डाल रहा हूँ और थोड़ा सा छोटा किया, जूम किया और इस कंप्यूटर को उठा के इस ऑरेंज के ऊपर डाल दिया। मैंने उसका कलर चेंज करना है तो मैं किस तरह से करूँगा, वेरी सिंपल, डबल क्लिक किया, ईमेल के आइकन पर डबल क्लिक किया, लेयर पैनल पे जाके कलर ओवरले पे गया और वाइट सेलेक्ट कर दिया क्योंकि पहले से ही हुआ हुआ है, तो ये चीजें हो गई। ओके, अब क्या करना है, अब हमने ईमेल एड्रेस का टेक्स्ट चेंज करना है, ये वाला फॉन्ट है नीचे वाला और ये वाला है ऊपर वाला, तो इसको चेंज करते हैं, यूजर नेम @gmail.com और इसको कैपिटल नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, करेक्टर पहले पैनल में जाऊंगा और ये डबल टी जो हमने स्टार्ट में क्लिक किया था इसको मैंने क्रॉस आउट कर दिया, अभी सारा छोटा हो गया। सिमिलरली ऊपर वाले फॉन्ट को छोटा करना है तो वो मैं ऊपर वाले फॉन्ट को मैंने वेबसाइट में कन्वर्ट करना है, डबल क्लिक किया www.yourwebsite.com, पूरे को सिलेक्ट किया और अगेन करेक्टर पैनल्स में गए, उसको छोटा कर दिया, ये मेरी होगी वेबसाइट और यूजर नेम। अब मैंने बनाना है नीचे वाला एड्रेस जहाँ पर कंपनी का एड्रेस आएगा, तो उसके लिए भी मैं डुप्लीकेट करूंगा, लेकिन चले इसी को डुप्लीकेट कर लेते, ईमेल को दोबारा डुप्लीकेट किया कंट्रोल जे और इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए और इसको रीनेम किया एड्रेस, एड्रेस पे रीनेम किया, सेम वही चीजें रिपीट कर रहे हैं क्योंकि तीन दफा रिपीट हुई हैं, तो ईमेल का आइकॉन चेंज होगा, एड्रेस के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा, एड्रेस के लिए मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मैंने ड्रैग किया, छोटा किया और ऑरेंज बॉक्स के ऊपर ले आया, ये मेरा एड्रेस का आइकॉन हो गया, एड्रेस का फॉन्ट चेंज करना है, सॉरी टेक्स्ट, टेक्स्ट में आ जाएगा स्ट्रीट लाइन वन और इसमें आ जाएगा स्ट्रीट एड्रेस लाइन टू,
मोस्टली दो लाइनों का ही एड्रेस होता है, तो दो लाइन हमने उसके लिए छोड़ दी है। ठीक है, तो हमारा कार्ड का फ्रंट साइड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ग्रेट हटाने लगा हूँ। अब ग्रेट हटा दिया, यहाँ पे मैं ऑरेंज एक स्ट्रिप दूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजाइन। रेक्टेंगल पे क्लिक किया और यहां से इसके ऊपर मैंने एक ऑरेंज लाइन दे दी जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है राइट कॉलम और लेफ्ट कॉलम में। तो दैट्स इट, ये आपका बिजनेस का फ्रंट साइड बन गई है। अब मैं इस राइट कॉलम को पूरा का पूरा उठा के ये जितनी भी लेयर्स थी जो राइट कॉलम बना रही हैं उनको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जी प्रेस किया और इसको रीनेम कर दिया राइट कॉलम। और इन दोनों को उठाया और एक कोर ग्रुप में डाल दिया और इसको कह दिया मैंने फ्रंट साइड। और ये फ्रंट साइड में मेरी पूरी फ्रंट साइड का कार्ड पड़ा है। दूसरे बैक साइड का भी कार्ड बना लेते हैं। बैक साइड में बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, बैक साइड जो होगी ना, अब इमेजिन करिए कार्ड आपके हाथ में, इसके बैक साइड पे क्या होगा, इसके बैक साइड पे क्या होना चाहिए, लोगो होना चाहिए, लोगो के साथ साथ नाम होना चाहिए कंपनी का जो यहाँ पे शो हो रहा है, और कंपनी की वेबसाइट और ये वाला पार्ट होना चाहिए। तो मैं इसी पार्ट को पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे इस लेफ्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। ये पूरी चीज मुझे कॉपी करनी है, कंट्रोल जे करूंगा उसके लिए, कॉपी आ गई, और इस फोल्डर को उठा के मैं बाहर ले आऊंगा क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है, ये बैक साइड का हिस्सा है, और इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ बैक साइड। फ्रंट साइड को हाइड कर दिया, ये बैक साइड रह गई मेरे पास। बैक साइड का अब मैं कलर ब्लैक चूज करूंगा, व्हाइट नहीं करूंगा ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक न्यू लेयर बनानी पड़ेगी, विच इज यहां से क्लिक करूंगा, सॉलिड कलर पे जाऊंगा और ग्रेश कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये मेरा हो जाएगा बैक साइड बैकग्राउंड, और इसको मैं इसकी बैकग्राउंड बना दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है मेरा ये जो कार्ड है बैक साइड वाला कार्ड, ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, ऊपर और नीचे। नीचे वाले में मैं कलर दूंगा ऑरेंज, सबसे पहले मैं ये बार कोड डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे बार कोड बैक साइड पे नहीं चाहिए। तो मैंने क्यू आर पे क्लिक किया और रेक्टेंगल पे क्लिक किया और इन दोनों को डिलीट कर दिया, और फॉन्ट ये मौजूद है यहाँ पे लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका कलर ब्लैक हुआ हुआ है। तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करें और वाइट करें, वाइट किया तो ये शायद नजर आ जाए, लाहौर लर्निंग अकेडमी नजर आ गई है, लाहौर ग्राफिक्स भी नजर आना चाहिए, इसको भी वाइट कर दिया, ये भी नजर आ गया, ठीक है। अब इनको सेंटर करना है, सेंटर हम किस तरह करेंगे वो हम एंड पे देखते हैं। सबसे पहले नीचे एक ब्राउन ऑरेंज पट्टी होनी चाहिए, तो वो बना लेते हैं इस तरह करके, रफली इतनी साइज की होनी चाहिए, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट आएगी और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नीचे वाला हिस्सा। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मैंने सेंट्रलाइज करना है, तो मैं लॉर ग्राफिक्स के टेक्स्ट को पकड़ लूंगा, लर्निंग अकेडमी के टेक्स्ट को पकड़ लिया, लोगों को पकड़ लिया और बैकग्राउंड के रिस्पेक्टिव सेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो वो सेंटर में आ गया, साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड का बैक साइड है, सिर्फ यही कॉन्टेंट और कोई कॉन्टेंट इसमें है नहीं, तो ये हमने बनाया, बड़ा कर दिया, दैट्स इट। वेबसाइट लिखनी है इस रेक्टेंगल के ऊपर, वो भी लिख लेते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया www.your, लिखना पड़ेगा www.your web, लिखा जा रहा www.yourwebsite.com, ये लिख लिया हमने सारा। लिखने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करना है,
ठीक है, इतना काफी है, इसको सेंटर में कर लेते हैं अभी। लेकिन ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, वेबसाइट और ईमेल एड्रेस कोई कैपिटल नहीं होते, तो इसका कैपिटल यहाँ से हमने खत्म कर दिया। ओके कर दिया। अब वेबसाइट को उठाया और बैकग्राउंड के रिस्पेक्टिव सेंट्रलाइज करना है, तो हमने सेंट्रलाइज कर दिया और ये बिल्कुल टच होगा जो आपका ऑरेंज पट्टी है वहां पे। तो ये हमारी बैक वाला कार्ड बन गया। ठीक है, बैक कार्ड बन गया है और बैकग्राउंड हमने एंड पे डाल दिया है। तो मेरा दो फोल्डर्स हैं टोटल, एक बैक साइड एक फ्रंट साइड है। अगर मैं बैक साइड को ओपन करूंगा तो बैक साइड नजर आएगी, फ्रंट साइड को ओपन करूंगा तो फ्रंट साइड नजर आएगी। तो ये ट्रिक है इसको करने का। मुझे पता है इसमें काफी लंबा चला गया ये लेक्चर, इसकी वीडियो एज इट इज मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोग वीडियो देखें, उसमें जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे मैसेज करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें बेसिकली सिर्फ तीन चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं फोटोशॉप की। अलाइनमेंट्स आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर नहीं स्ट्रांग तो जो हमने तीसरा या चौथा लेक्चर अलाइनमेंट पे किया था उसकी वीडियो आप लोगों का लिंक आपके पास होगा, अगर नहीं है तो मांग लें। अलाइनमेंट्स स्ट्रांग करें अपनी, और ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है, सिर्फ साइज बड़ा छोटा करना आना चाहिए आपको, बाकी काम ईजीली हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों का असाइनमेंट अब यही है कि आप लोगों ने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है, सिर्फ फ्रंट साइड बना लें, बैक साइड को छोड़ दें, फ्रंट साइड बना लें, बैक साइड ऑटोमेटिकली मैं समझ जाऊँगा आप लोगों को आती है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, टेक योर टाइम, अच्छा बनाएं। बिल्कुल इसको भी कॉपी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जो एग्जैक्ट इसी चीज़ को कॉपी कर लें वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों की जो जो चीज़ें मैंने की हैं एटलीस्ट वो आप लोगों को स्ट्रांग हो जाए वाला पार्ट। तो आगे जाके आप लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपकी मर्जी है, आप लोग ये यूज़ करें या फिर अपने एंड से खुद से डिज़ाइन कर लें कुछ।